नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको किशमिश खाने का एक ऐसा जबरदस्त और बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि आपको किशमिश के 100% फायदे देखने को मिलेंगे। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि हम बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, बादाम खा लेते हैं, किशमिश खा लेते हैं, काजू खा लेते हैं और भी सारी पौष्टिक चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को लग नहीं पाती, हमें उनका फायदा नहीं मिल पाता। ये सारी की सारी वजह उन पर डिपेंड करती है कि आपने उसको किस तरीके से खाया है और किसके साथ में खाया है। लेकिन आज मैं आपको किशमिश खाने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किशमिश के 100% फायदे उठा सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी बॉडी में ताकत को भी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी शारीरिक कमजोरी से पीड़ित है, आपकी बॉडी में खून की कमी है, कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, हाथ पैर जोड़ों में, कमर में, पीठ में हमेशा दर्द बना रहता है, बार बार थकान महसूस करते हैं, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, आप में ऊर्जा की कमी आ चुकी है, थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाते, उससे पहले आप थक जाते हैं, आपका मन नहीं लगता कार्य में, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको यह जानकारी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सामने लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किशमिश खाने के फायदों के बारे में, उसके बाद में आपको बताऊंगा किशमिश आपको किस तरीके से और किसके साथ में और कब खाना है ताकि आपको पूरा पूरा फायदा मिल सके। अगर इनके फायदों के बारे में बात करूं तो किशमिश में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो आप किशमिश का आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी बॉडी में बार बार थकान हो जाती है, थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाते हैं ना, थोड़ा सा काम करते ही आप थक जाते हैं, ऐसे शरीर आपका टूटने लगता है, हाथ पैर जोड़ में आपको दर्द की महसूस होने लगती है, साथ ही आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, आपका शरीर दुबला पतला, आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप किशमिश का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपको किशमिश का सेवन किस तरीके से, कब और किसके साथ में करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको मुट्ठी भर 20 से 25 किशमिश के दाने लेकर के रात भर पानी में भिगो देना है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो पानी की जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, सबसे बेहतरीन होगा। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप पानी की जगह आपको एक गिलास दूध लेना है और उस एक गिलास दूध में आपको किशमिश को अच्छे से पहले वॉश कर लेना, धो लेना है, धो करके फिर आपको उस दूध में डाल देना है। जब आप देखोगे कि सुबह उठोगे तो किशमिश और दूध, दूध में जो किशमिश डाले हुए हैं वो किशमिश फूल चुके होंगे, आपको इन किशमिश को अच्छे से चबा चबा करके, आपको बहुत अच्छे से चबाना है कि वो मुंह में घुल जाए, उनको चबा चबा करके खा लेना है और ऊपर से आपको एक गिलास दूध का पी लेना है। दोस्तों अगर आप ऐसा लगातार 30 दिन तक करते हैं या फिर आगे भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 30 दिन तक करना है, उसके बाद में आप देखोगे कि आपकी बॉडी में बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन फायदे देखने को मिलेंगे, आपका शरीर फौलाद बनेगा, साथ ही आपकी हड्डियां भी जो कमजोर हो चुकी हैं वो मजबूत होने लगेगी, साथ ही आपकी बॉडी में खून की कमी दूर होगी, हाथ पैर जोड़ों का, कमर में, जो पीठ में आपको दर्द की प्रॉब्लम रहती है वो भी दूर होने लगेगी, साथ ही साथ जो आपका दुर्बल शरीर है, बिल्कुल कमजोर शरीर है, शरीर में क्षीणता आ गई है, कमजोरी आ गई है, दुर्बलता आ गई है, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।